सो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आंध्र प्रदेश ट्रिप के बाद ये एक सीरीज आ रही है, कोल्हापुर हम अभी जा रहे हैं। मेरे साथ है श्रीजांजल, हाय, और योगेश, हाय, योगेश वाईके व्लॉगर, वाईके व्लॉगर। तो आज हम जा रहे हैं कोल्हापुर बाइक राइड करके। तो हमारी बाइक यहाँ पे श्री की बाइक है, मेरी बाइक वहाँ पे पार्क है। तो अभी थोड़ी देर में निकलेंगे, बजे करीब ऑलमोस्ट निकतो है 10 बजे। व्लॉग ना दोन लैंग्वेज मध्ये, तीन लैंग्वेज मध्ये होणार आहे, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, फुल मजा येणार आहे। चला तर चला आता निघूया, 10 वाजलेत। इथून कोल्हापूर अराउंड 350 किलोमीटर आहे। 350 किलोमीटर कवर करने में हमें करीब करीब 8 घंटे लगेंगे। तो मैप वरती 7 तास दाखवत आहे, पण आपले स्टॉप पकडून 8-9 दिला। हमको खाना पीना, पेट पूजा भी करनी है। तो चलो अभी निकलते हैं। और छू प्रॉपर सेफ्टी विफ्टी पहना है, देख लो, सेफ्टी इज नंबर वन प्रायोरिटी। दे जैकेट वगैरह, यस, आणि योगेश कडे पण फुल सेफ्टी आहे बघा, फुल। चला निघूया आता। A few moments later. मुझे तो गाइस पुणे के नज़दीक कहीं तो आए हैं, पुणे के पहले एक 10 किलोमीटर। यहाँ पे दिल्ली दरबार करके एक होटल है, वहाँ पे डिनर के लिए रुके हैं। करीब करीब 110 किलोमीटर्स का स्ट्रेच हो चुका है 1.5 घंटे में। तो ये स्ट्रेच बहुत ही अच्छा था, ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं मिली और हम अच्छे खासे चला के आए हैं। तो अभी यहाँ पे डिनर करते हैं और उसके बाद डायरेक्टली अभी रुकेंगे सातारा, या बीच में कहीं अगर नींद वगैरह आ रही होगी तो टोल नाका पे कहीं चाय वाय पीने के लिए रुकेंगे, नहीं तो डायरेक्टली मिलते हैं सातारा में। Many hours later. फ्रेंड्स अभी करीब सुबह के 10 बजे हैं, हम यहाँ पे कोल्हापुर में पहुँचे हैं। करीब 7 बजे सुबह पहुँचे और उसके बाद हमने 2 घंटे मस्त एक नैप लिया, ताकि पूरा दिन भर हमें घूमना है। इसके लिए हमने दो घंटा यहाँ पे आके रेस्ट लिया, एक होटल में रुके हैं। होटल का नाम अभी मेरे को पता नहीं, मैं आप बाद में बाहर जाके दिखा रहा हूँ। तो ये है कुछ हमारे 203 एंड ये रूम के बाहर का कुछ पैसेज है, मतलब ऐसे सोफा वोफा है यहाँ पे बैठने के लिए। तो होटल तो डिसेंट है, 1000 रुपये में हमने ये रूम मिली है, 4-बेडेड रूम है। अभी 10 बजे फ्रेश वगैरह हो चुके हैं एंड अभी निकलते हैं हम लोग महालक्ष्मी टेम्पल के लिए। अभी यहाँ से महालक्ष्मी टेम्पल करके एक राजवाड़ा वगैरह है, शाहू पैलेस वगैरह, वो कवर करके आगे की जर्नी में जाएंगे। तो हम ये होटल में रुके, होटल बालकृष्ण डिलक्स लॉजिंग। तो अभी महालक्ष्मी मंदिर के यहाँ पे पहुँच गए, मैंने बाइक से यहाँ पे पार्क किए हैं। और अभी देखते हैं मंदिर में, वैसे तो शूट कैमरा वगैरह अलाउड नहीं रहेगा, नहीं कैमरा अलाउड नहीं वहाँ पे। तो कैमरा हम लोग गेट दिखा सकते हैं, गेट देखो कितना बड़ा है, फिर अंदर थोड़ा दिखा सकते हो, उसके बाद फिर मंदिर के अंदर का नहीं दिखा सकते। बहुत फेमस है मंदिर, एक नंबर है। जितना तक पॉसिबल है उतना तक मैं दिखाऊंगा। तो अभी आए महालक्ष्मी मंदिर के अंदर। तो ये है मेरे पीछे एंट्रेंस एंट्री डोर एंड ये है पूरा मंदिर का परिसर। तो ये जो एंट्री गेट देखा अभी आपने, ये मेरे पीछे, उसको भवानी मंडप बोलते हैं। तो अभी सुबह से कुछ हमने खाया नहीं है, रूम से निकल के डायरेक्टली मंदिर में आए। तो मंदिर के अंदर ये कुछ स्टॉल्स है स्नैक्स वगैरह के, देखते हैं अभी कुछ खाने के लिए ढंग का मिलता है तो पहले खा लेते, बाद में मंदिर में चलते। एक मिनट थांब, बाकी
तो अभी खा रहे हैं अपे, क्या बोलते हैं अपे खा रहे हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। अभी आपने देखा है इसका वीडियो कैसे बनाते हैं, कैसे खाते हैं वो भी देख लो। तो अभी मंदिर में जाना है, लेकिन अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, कैमरा कहीं बाहर रखना पड़ेगा, और हमने बैग्स भी नहीं लाए, तो देखते अभी कुछ जुगाड़ करते कैमरा वगैरह रखने का। सो यहाँ पे पीछे लॉकर्स वगैरह है, अगर आप व्हाट इज हेलो डिस्प्ले डिस्प्ले ब्लर था, बंद करो चलो। अरे कैमरा हाँ, यहाँ पे लॉकर्स वगैरह है, अगर आपको कुछ कैमरा वगैरह रखना है या अपनी जैसे कीमती चीज़ें रखना है तो यहाँ पे लॉकर्स वगैरह है। 5 रुपये एक घंटे के लिए लगते हैं, तो बहुत ही कम चार्जेस है, तो आप यहाँ पे इस फैसिलिटी का यूज़ कर सकते हैं। ये श्री रंजन ब्लॉग करते हुए बिहाइंड द शूट कैमरा अलाउड, और ये बाइक के ब्लॉगर ये भी ब्लॉग कर रहा है, सब अपने अपने ब्लॉग में बिजी है। A few moments later, तो भी महालक्ष्मी का दर्शन भी हो गया, अभी चल रहे यहाँ से नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हमारा न्यू पैलेस, तो वहाँ पे चलते हैं। न्यू पैलेस क्या है, उसकी क्या हिस्ट्री है आपको बता देता हूँ वहाँ पे जाके। तो जैसे मुंबई में गुड़ी पड़वा की शोभा यात्रा होती है, वैसे यहाँ पे कोल्हापुर में भी शोभा यात्रा हुई। अभी यात्रा वो ख़त्म हो चुकी है, और उसमें जो बाल शिवाजी बने थे वो यहाँ पे एक छोटा लड़का हॉर्स पे बैठा है। छत्रपति शाहजी महाराज के म्यूज़ियम में, अभी म्यूज़ियम भी है, पैलेस भी है, पैलेस के ही आगे है। अभी पहले म्यूज़ियम देखते हैं और उसके बाद पैलेस में चलते हैं। दोनों एक ही है क्या? ठीक है, तो इसके एज पर प्रथमेश एक ही है दोनों भी, तो देखते कैसे हैं। तो यहाँ पे ऐसे एक मिनी प्राणी संग्रहालय भी है, तो यहाँ पे कुछ डियर्स वगैरह रखे, डियर यहाँ पे ऑस्ट्रिच है, तो ऐसे वहाँ पे मोर वगैरह पिकॉक वगैरह भी थे, तो ऐसे ही कुछ कुछ एनिमल्स दिखे हैं, एनिमल्स बर्ड्स वगैरह। ऑस्ट्रिच, ये हरन, तो ये है शाहजी महाराज का म्यूजियम कोल्हापुर में, एक बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर है, आप देख सकते हो। तो गाइस एक फैंटास्टिक बहुत अच्छा कलेक्शन है यहाँ पे, अगर आप आते हो कोल्हापुर में तो ज़रूर से विज़िट किए, एक मस्ट विजिटेड पॉइंट है, मेरा तो दिल खुश हो गया। जो वेपन्स वगैरह रखी है या जो महाराज लोगों ने शिकारी वगैरह किया, उसके बहुत 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 अच्छे अच्छे अवशेष यहाँ पे रखे हैं, तो ज़रूर विज़िट कीजिए, मेरा तो मन प्रसन्न हो गया ये सब देख के। तो यहाँ से अभी और एक दो पॉइंट देखने थे, लेकिन अभी धूप इतनी गर्मी है उसकी वजह से थकान भी महसूस हो रही है, और पेट भी खाली है, कुछ खाना भी है, तो
पहले देखते हैं कुछ खाते हैं, बाद में रूम पे जाके फ्रेश होके, बाद में शाम को मीटअप भी है श्री जंजल का, तो वो भी अटेंड करना है। भूख लग ले यार, तर खरं सकाळ असून फिरतोय ना, आप्पे खाल्ले त्यानंतर आज की काय दिवस खाल्लं सांगतो, आता भूक लागायला सुरुवात झाले, कारण करण्याविषयी काहीतरी हवी आता, कारण ऊन पण जास्त आहे। तर रोशन आठवतोय तुला, सो अभी लंच वगैरह करके रंकाल लेक पे आए। रंकाल लेक कोल्हापुर का एक बहुत ही फेमस अभी आए हैं कोल्हापुर की खाऊ गली में, और ये है कोल्हापुर की एक स्पेशल राजा बाबू